छोड़ने के लिए? मैं तो सिर्फ कान उसके इसलिए भरती थी कि वो अस्मा को उसकी औकात में रखे, और इसीलिए मैंने अस्मा से उसके बच्चे की जान भी छुड़ाई। क्या? बेटा, तुम्हारे माँ बाप तुमसे बहुत मोहब्बत करते। आवाज़! मोहब्बत का लफ्ज इस्तेमाल मत करना। अरे तुम लोगों ने तो नफरत को भी एक छोटा सा लफ्ज बना कर रख दिया है। और कौन से माँ बाप? अगर माँ बाप ऐसे होते हैं ना तो मैं रवा रसी ठीक हूं, मर गए तुम, मर गया आपसे असलम, तुम ये असलम मर गया, असलम मर गया, असलम असलम बेटा बेटा मेरी बात तो सुनो, असलम असलम असलम। शाहिद साहब एक काम कीजिए, सलमान साहब को कोटेशन भिजवा दीजिए। ठीक है। साथ तुम्हारी कॉफी? मैं देख लूंगा, मैं खुद ही देख लूंगा। थैंक यू मॉम, चलिए मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, अल्लाह हाफिज। यू नो साथ आज हम कहाँ गए थे? कहाँ मॉम? नीलम के घर, तुम्हारा रिश्ता लेके। मॉम आपने ये क्या कर दिया? मैंने आपको कहा तो था कि इसके बारे में नीलम को डिसाइड करने दीजिए। साथ हम कौन सा कह रहे हैं कि उसके डिसाइड किए बगैर ही ये रिश्ता तय हो जाएगा? लेकिन हमारा सवाल करना तो बनता है ना उन लोगों से, और उसकी फैमिली को कोई एतराज नहीं है इस रिश्ते पे। बस वो भी यही चाहते हैं कि जो कुछ भी हो नीलम की मर्जी से। वो सब ठीक है मॉम, लेकिन आपने वहां जाकर, मुझे लग रहा है बहुत अर्ली हो गया सब। कोई अर्ली नहीं है बेटा, यही बेस्ट टाइम है। क्या कर रहा है? दिमाग खराब हो गया तेरा? पागल हो गया तू? अभी एक्सीडेंट हो जाता, मर जाता तू। अरे अच्छा है ना चली जाती सर, मर जाता मैं। इस दुख के सारे में वैसे भी जी नहीं सकता था जो चोर मुझे मारते थे। ना नहीं, अस्मा के बारे में सोच, अगर तुझे कुछ हो गया ना वो भी जिंदा नहीं रहेगी। राजू बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे राजू। अब तो बता ना प्रॉब्लम क्या है, संभाल यार खुद को, चल मेरे साथ चल चल। दिमाग खराब हो गया तेरा? सब बर्बाद करके रख दिया तुमने शन्नी, सब बर्बाद कर दिया। इकलौता बेटा था वो भी हाथ से गया, और हम खाली हाथ रह गए जलील खार होने के लिए। कहीं नहीं गया वो, बता रही हूँ मैं। पता नहीं कितना जज्बाती है वो हमेशा से। कसम खुदा का देखो तो जरा, जो बच्चा अभी दुनिया में आया नहीं उसके लिए इतना रो रहा है, और वो माँ बाप जिन्होंने पैदा किया पाला पोसा उन्हें आराम से कह के चला गया कि मर गए मेरे लिए। अरे मैं क्यों मरूं? मरे मेरे दुश्मन, अभी मैंने इस दुनिया में देखा ही क्या है। वाह वाह वाह, बाज ना आना तुम, बिल्कुल बाज ना आना, अपनी डटाई पे डटी रहना, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो, बाकी तो कोई भी नहीं है। लिख कर रख लो, असलम पूरी जिंदगी हमें अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। तुम्हारे 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 चक्करों में मैं भी रगड़ा गया खामखा। अच्छा ज्यादा ना भोले मत बनो तुम बब्बन मियां, इस बात को छोड़ के ना हर बात में तुम मेरे साथ बराबर के शरीक रहे हो हैं? और आज अगर तुम किसी काबिल होते तो मुझे क्या जरूरत पड़ी थी इन साजिशों का जाल बिछाने की? जिंदगी भर एक टका तो तुमने कमाया नहीं, और ईमानदारी के भाषण दे रहे हो तुम मुझे। क्या हो गया अगर वो चला गया है तो? कौन से पहाड़ टूट गए भाई?
अब तुम ना अपनी जबान मन रखो बस। मेरा ना सर वैसे ही बहुत दुख रहा है ये बिला वजह की किलकिल से। अंदर लेकर आओ इसे। बताओ मुझे क्या हुआ असलम को? जान देने चला था ये, तो शुक्र है मैंने देख लिया, न मरा पड़ा होता रोड पे। बिठाओ इसे। मुझे माफ कर देता है, मैं बहक गया था, भटक गया था, जिन मां बाप की बातों में आकर मैंने आपको और अस्मा को दुख दिया, मेरे मां बाप ने मेरे बच्चे की जान ले ली। मेरे अपनी औलाद को जहर दे दिया, या अल्लाह इस कदर जुल्म मेरी बच्ची पर। बबन और शनी को तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा, के हाथ नहीं कांपे ये सब कुछ करते हुए। मुझे माफ कर दे ताई, अस्मा को भी बोले मुझे माफ कर, मैंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, पर मैं कैसे करता यकीन ताई? अरे किसी के माँ बाप इतने जालिम भी हो सकते हैं क्या? जालिम बच्चा ताई तुम्हारा और अस्मा का रिश्ता अब भी कायम है। तुम आराम करो असलम, मैं तुम्हें दवाई ला के दे दूँ। दवाई खा के सोगे तो रिलैक्स फील करोगे। हाँ बेटे लेकर आओ, भाई के लिए दवा लेकर आओ। संभालो मेरा बच्चा, बिखरने मत दो खुद को, अपना ख्याल करो मेरा बच्चा। ये क्या बैठे बिठाई की मुसीबत आ गई बबन, ये क्या कह रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ खाला जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ से निकलो, वरना सारी उम्र जेल में चक्की पीसती रहोगी। संभालो खुद को अस्मा, मेरी जान हौसला रखो। कैसे संभालूं खुद को, कैसे हौसला दूं? मैं तुम लोगों से बोल रही थी, किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया, तुमने भी नहीं किया और असलम ने भी नहीं किया, और मेरे बच्चे के कातिल मेरी नजरों के सामने घूमते रहे। कुछ लोग बहुत शातिर होते हैं अस्मा, अपने किए हुए जुर्म का कोई निशान नहीं छोड़ते, और शन्नी चाची भी उन्हीं में से एक है। लेकिन अल्लाह भी ऐसी चीजें छुपाता नहीं है, वो जल्द या देर से सारी हकीकत सामने ले ही आता है। इसे उस वक्त तुम्हारे साथ की जरूरत है अस्मा, जैसे उसने हमारा साथ दिया था अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर। तुम्हें उसका सहारा बनना होगा अस्मा। आ गया। रात को रोड पे मरा हुआ मिलता अगर मैं सही टाइम पे नहीं जाता तो।
क्या बक रहा है बेटा, क्या क्या हुआ, क्या होना क्या है? जान देने चला था वो, गाड़ी के आगे आने वाला था, सही टाइम पे पहुंच के जान बचाई मैंने उसकी। सुरैया ताया के यहाँ छोड़कर आया हूँ हिफाजत से। जब उसे वहाँ छोड़कर आ गया हिफाजत से तो खुद के यहाँ तेल लेने आया है? वो तेल लेने नहीं खाला, घर खाली करवाने आया हूँ, नए किराएदार आ रहे मेरे यहाँ पे। शर्म नहीं आएगी तुझे? अपने दोस्त के बूढ़े माँ बाप को तू ऐसी रोड पे निकाल देगा? दोस्त नहीं बताए, माँ बाप मर गए, जनाजे का बंदोबस्त करने आया हूँ। आपस की बात है खाला, पुलिस भी पहुँचने वाली है, नीलम ने आप लोगों के खिलाफ FIR कटवा दी है। क्या बकवास कर रहा है वो, पुलिस यहाँ क्यों आएगी? हमने क्या जुर्म किया है? कौन सा मुकदमा, क्या क्यों आएगी? वो तो आप लोगों को पता होगा चाचा, और खासकर शिनी खाला को। एक मुकदमा नहीं है, दो तीन है, कत्ल, चोरी, गबन, पता नहीं क्या क्या। ये क्या बैठे बिठाए की मुसीबत आ गई बब्बन, ये क्या कह रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ खाला, जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ से निकलो, वरना सारी उम्र जेल में चक्की पीसती रहोगी। चाचा जल्दी करना। देखो असलम बेटे, तुम्हारे माँ बाप ने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ, और इसे कभी भुलाया भी नहीं जा सकता, ना ही माफ किया जा सकता। और हम इंसान तो क्या, इसे तो कभी अल्लाह भी माफ ना करे। लेकिन खुद को संभालो बेटे, तुम्हें और अस्मा को इस तरह देखती हूँ तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। मेरा बच्चा, बेशक मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूं, लेकिन फिर भी तुम मुझे मेरी औलाद से बढ़कर अजीज हो मेरा बच्चा। जानता हूं ताई, शर्मिंदगी भी इसी बात की है कि जिन्हें मैंने सबसे बढ़कर अपना समझा, मैंने उन्हीं पर शक किया, उन्हीं को गलत समझा, भूल गया कि आप लोगों ने मेरा कितना साथ दिया है। तुम तो शुक्र करो कि तुम्हें ये सच्चाई जल्द पता चल गई, वरना तो इन बदगुमानियों में तुम्हारे और अस्मा के रिश्ते में हमेशा के लिए दरार आ जाती। ताई, क्या अस्मा मुझसे अभी भी नाराज है? बेटे उसका दुख ही कुछ ऐसा है, अभी जब चीजों को समझने लगेगी ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ताई मैं अस्मा से मिल सकता हूँ? मिलो। बबन बात सुन, बबन बात तो सुन मेरी, कहाँ जा रहे है मुझे बता दो बबन। क्या सुनूं तेरी? बबन ऐसा मैंने क्या कर दिया जो मुझे छोड़ के जा रहा है? तूने क्या किया है मैं बताऊं? तूने क्या किया? गिनवाऊं तेरे गुनाह? गिनवाऊं मैं तूने क्या किया? नंबर एक, जिस गोद में मैं पला बड़ा, जिस भाई की आगोश में पला बड़ा, उससे तूने मुझे जुदा करवाया। मेरा हरा भरा घर तूने बर्बाद कर दिया, मेरी भतीजियां, मेरी भाभी, सब कुछ तूने छुड़वाया। और तूने मेरा बेटा मुझसे छुड़वाया। तू तो अपने बेटे की नहीं हो सकी, तू किसी की क्या होगी, समझी? और तुझे उससे बड़ा गुनाह बताऊं क्या किया तूने? तूने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद की, उसे दरबदर कर दिया। तूने मेरी नस्ल बर्बाद की है, तूने मेरी नस्ल बर्बाद की है। अब बंदी कर ऐसा, मत छोड़ के जाओ मुझे, मैं अकेले नहीं रह पाऊंगी, कसम से नहीं रह पाऊंगी। तू तो ऐसा नहीं था, तुझे क्या हो गया बब्बन? कल सड़ यही भीख मांगती चल, भीख मांग गलियों में, अब भीख मांग। तुझे जब पता चलेगा कि बब्बन तुझसे कितना मोहब्बत करता था, और अब क्यों ऐसा हो गया? Thank you.
आपने मुझे बुलाया? हाँ बैठो साथ। तुमने अपनी फैमिली को भेजा था मेरे घर रिश्ता लेकर, वो भी मुझसे बिना पूछे। ऐसा नहीं है, मेरे मॉम और डैड अपनी मर्जी से वहां गए थे, मेरे मना करने के बावजूद। तुम्हारे मना करने के बावजूद? आर यू सीरियस? यस, आई एम सीरियस। मैंने तुम्हें किसी और की खुशी के लिए छोड़ा था, लेकिन तुम्हें पाना तुम्हारी खुशी और अपनी खुशी के लिए चाहता हूं, ना कि किसी की चाहत और मर्जी से। मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे, और मोहब्बत की फितरत में जबरदस्ती नहीं होती। ये हमारी जिंदगी है और अब मैं इसमें किसी और का फैसला नहीं सुनूंगा। और अगर मैं ही इनकार कर दूं फिर? तब भी तुम मेरी जुबान से एक शिकवा भी नहीं सुनोगे। मुजरिम हूं मैं मोहब्बत का, तुम जो सजा दोगी सर झुका के कबूल कर लूंगा। आसमा मेरी बात सुनो, आसमा प्लीज मेरी बात सुनो। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे माफ कर दो आसमा। तुम्हारी खामोशी मेरे अंदर की मायूसी को मजीद बढ़ावा दे रही है। तुम्हें खुद से खफा देखो, जी चाहता है कि मैं भी जान दूं। क्या हो गया है? पागल हो गए हो? कैसी बातें कर रहे हो? हाँ हो गया हूं मैं पागल। अगर तुम मुझसे इसी तरह नाराज रही ना, तो मैं सच में पागल हो जाऊं। और जो कुछ तुमने मेरे साथ किया, मुझ पर हाथ तक उठाने की कोशिश की, अपने उन माँ बाप का साथ दिया जिन्होंने मेरी और मेरे बच्चे की जान लेने की कोशिश की, क्या मुझे नाराज होने का भी कोई हक नहीं? मैं भी इंसान हूं, मेरे अंदर भी दिल है। मैं जानता हूं आसमा, मैं भी तो इंसान था। है क्या शैतान के बहकावे में आकर खुद ही अपनी जन्नत बर्बाद करने चला, और जैसे ही हकीकत मेरे सामने खोल कर आई, देखो आ गया ना तुम्हारे पास,
शुक्र है खुदा कि उसने हकीकत मेरे सामने आया, मुझे बर्बाद होने से बचा ली। एक आखिरी बात मुझे माफ कर दो, तुमसे वादा करता हूं सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए पर मैं साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बताइए ना, सब खैरियत तो है? इतनी खुश नजर आ रही हैं भाई। जब बात इतनी खुशी की है तो खुश तो होंगी ना। बता दो सवाल, बहुत दिन हो गए अच्छी खबर सुने हुए। तो खबर ये है कि नीलम की अम्मी का फोन आया था और नीलम ने शादी के लिए हाँ कर दिया। Are you serious, mom? Yes, I am. मुबारक हो बेटा। Thank you, dad. बस अब आप जल्दी से तैयारी शुरू करवा दो। बहुत सारी तैयारी करनी है मुझे अपने बेटे के लिए। अम्मी मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो आज? अम्मी ऑफिस जा रही हूँ, और कहाँ जाने मैंने? क्या हो गया बेटा, आज इतनी खुशी का दिन है, वो लोग आज बात पक्की करने आ रहे हैं तुम्हारी और तुम काम पे जा रही हो। अम्मी काम तो देखना है ना, जाना तो पड़ेगा। नहीं नीलम, अब ऐसा भी कुछ नहीं है, कुछ दिन हम संभाल लेंगे काम, आप फिक्र ना करें। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आओ बैठो यहाँ पे और कुछ जिम्मेदारियाँ हमारे लिए भी छोड़ दो। क्यों रीता? बस अब आप शादी की तैयारियाँ शुरू करें। लेकिन मेरी एक शर्त। क्या शर्त है बेटा? वैसे तो हमें आपकी सारी शरायत मंजूर है। आँखों में है जो अपनी पूरी होगी।
ला रही हूँ, बस थोड़ी देर रुक जाइए, ला रही हूँ। बहन आप शुरू कीजिए ना। जी जी बिल्कुल। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो भाई साहब। सुरैया बहन अब हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे और नीलम को अपनी बेटी बनाकर घर ले जाएंगे। ये क्या बात कर दी आपने, अब ये आप ही की बेटी है, बस अब आप शादी की तैयारियां शुरू करें। लेकिन मेरी एक शर्त। क्या शर्त है बेटा? वैसे तो हमें आपकी सारी शरायत मंजूर है कि ये शादी मेरी हैसियत के मुताबिक नहीं बल्कि मेरे बाबा की हैसियत के मुताबिक होगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी रुखसती मेरे घर से हो, जिस तरह मेरे बाबा अफोर्ड कर सकते थे। हमें कोई एतराज नहीं है बेटा। हाजी साहब से ज्यादा हैसियत भला किसकी हो सकती है। चलो भाई आगे चलते रहो। अबे मिट्ठू, बोटी वाले चावल है ना? ओ भाई सादे चावल है। चलो चलो दूसरों को भी जगह दो।
दे दिया ना मिठाई वाले को कल के लिए? जी ताई, सुबह ही बोल दिया था। अच्छा किया बेटा। अम्मी देखिए, मैंने सारा सामान पैक कर लिया, कुछ और काम है तो मुझे बता दे। देखती हूँ। अम्मी मुझे भी कोई काम बता दे, मैं बोर हो रही हूँ। नहीं मेरा बच्चा, तुम कल से सोए ही नहीं हो, आराम कर लो जाकर अपने कमरे में। कल शादी है तुम्हारी, अच्छी थोड़ी ना लगोगी थकी हुई दुल्हन बन के। तुम्हें मुझे नींद नहीं आ रही, पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है। अरे तो आप कौन सा दूर जा रही है, इसी शहर में जब दिल करे आ जाएगा, दुखी होने की क्या बात है? पता नहीं, असलम मैं अम्मी लोगों से सुमीत पे दूर हो रही हूँ क्योंकि तुम यहाँ हो इनका ख्याल रखने के लिए। प्लीज कभी इनका साथ मत छोड़ना। कैसी बात कर रही है नीलम, मेरा इस दुनिया में आप लोगों के सिवा और है ही कौन? और जहां तक रही बात ख्याल रखने की, तो आपकी जगह तो मैं कभी नहीं ले सकता, पर कोशिश जरूर करूंगा अच्छा बेटा बनने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए। जानती हूँ, तभी तो मैंने ये फैसला किया, वरना बाबा के बाद तो मैं बस यही चाहती थी कि कभी भी इन लोगों को बाबा की कमी महसूस ना हो। नहीं मेरा बच्चा, उदास नहीं होना बिल्कुल भी, खुशी का मौका है मेरी जान, आज तो खुश होने का दिन है। अरे नीलम उदास नहीं हो, खुशी खुशी जाओ, अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियां अता करे, खुश रहा कर, अच्छी लगती हो। हाजी साहब, आज आपकी नीलू रुखसत हो गई, सबकी जिंदगियां आसान बनाकर, हमें जीना सिखाकर, आपकी सारी जिम्मेदारियां आपसे भी अच्छी तरह निभा गई। जान गई उसका नाम नीलम क्यों रखा था, में जुड़ जाए वो कीमती कर दे। आपी, लगता है मैं सही ही कहती थी, अम्मा हम दोनों से ज्यादा नीलम आपी से प्यार करती हैं। अम्मी मुझे लग रहा है हजरता बिल्कुल ठीक कह रही है, जहां तक मुझे याद है आप मेरी रुखसती पे इतना नहीं रोई थी जितना नीलम की रुखसती पे रोई थी। मैं ठीक कह रही हूँ ना? ऐसा नहीं है मेरे बच्चों, माँ बाप के लिए सब औलाद बराबर होती है। नहीं अम्मी, नीलम की बराबरी कोई नहीं कर सकता, बड़ा होने और बड़ा बनने में बहुत फर्क है, और ये बात नीलम ने साबित कर दी हर लिहाज से, वो इस घर में सबसे बड़ी है। मैं ये जान गया हूँ कि मोहब्बत मौसमों की मोहताज नहीं होती, लेकिन मौसम मोहब्बत पर जरूर असरअंदाज होते हैं। हिजर की बारिश भी जानलेवा है और मिलन की धूप भी छांव जैसी है। तुम्हारा साथ हो और ये रात हो, ये काफी है शायर बनने के लिए। This is for you.